أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته कैसे हो तमाम भाई बहन, मेरी तरफ़ से तमाम भाई बहनों को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हों। जैसे आप लोगों को पता है कि अल पाकिस्तान प्रोजेक्ट बी फॉर यू SRG इस टाइम बहुत मुश्किलात में हैं, और अल्लाह पाक ने जितना बोझ डाला था इतना बोझ इंशाल्लाह हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये मुश्किल वक़्त है, महीना है, डेढ़ है, 10 है, 15 दिन है, 25 दिन है, जो भी है। आप लोगों को पता है कि तरमीम चेंज हो गया है, टोटल तरमीम चेंज हो गया है, और इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा। देखो, हम भरोसा अल्लाह पर करते हैं, हम कभी किसी पर नहीं करते हैं, ठीक है। और जैसे आपको पता है कि नैब की तरमीम भी माशाल्लाह चेंज हुआ है, एक महीने से ऊपर बंदे जेल भी नहीं रख सकते। पहले तो आपको पता है सैफ रहमान को 6 महीने कस्टडी में रखा था, फिर आदम अमीन को तकरीबन 11-12 महीने कस्टडी में रखा था, तो वो चीज़ें भी ख़त्म हो गई, जरदारी साहब ने ख़त्म कर लिया है, ठीक है। आता हुआ भी अकाउंट पर इस टाइम हमारी दोनों कंपनी जो है ऑल पाकिस्तान और SRG अकाउंट फ्रीज। जब अकाउंट ओपन हो जाएगा, Play 1 और Play 2, ये दोनों प्लान हमने बनाया, जो अपना हक लेना चाहते हैं तो ठीक है, बिस्मिल्लाह। कटिंग जो भी होगी थोड़ी बहुत, वो तो ऑलरेडी हर कंपनी का होता है उसूल, वो कम करके उसके बाद आप लोगों के साथ अपना पेमेंट वापस करेगा। Plan B, उसमें आप लोग हमारे साथ काम करना चाहते हैं लीगल तरीके से तो करें वेलकम, ठीक है। फिर आता हूँ आपके ग्रुपों में, मुख्तलिफ ग्रुपें होती है, टोटल कितने बंदे होते हैं, 500 या 700 बंदे टोटल होते हैं। 500-700 बंदों में से 16,000 रुपये, 16,500 रुपये जो सबसे छोटा अमाउंट किसी ने जमा किया था, वो होता है फसाद का जड़। उसका तो 16,500 रुपये लगे, किसी का करोड़ लगे, किसी का 80 लाख, किसी का 50 लाख, किसी के 70 लाख, मुख्तलिफ करोड़ों के हिसाब से टीम चल रही है, ठीक है। 16,500 वाला बंदा जो होता है वो भी मरे लिखा भी लेता ना, लेकिन वो फसाद बनाता है, वो फसाद बनाता है। उसके पीछे एक दो बंदे यूट्यूबर खर्चा देते, 10-20 रुपये देते कि भाई लिया करो, तुम फसाद बनो ग्रुपों में। हम कोई बच्चे नहीं हैं यार, हम कोई बच्चे नहीं हैं। 41 साल उम्र हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हर बंदे को पहचानता हूँ, ये मत बोलो कि भाई ये वो। आता हूँ यूट्यूबर पर। यूट्यूब जो होता है ये सोशल मीडिया, ये सबसे बेहतरीन झूठ बोलते हैं ये सोशल मीडिया। इसमें आप जितनी भी फोकस करोगे, अपने दिमाग ख़ुद कमज़ोर करोगे, समझ आई। उनका क्या जाता है, वो तो 2-3 रुपये कमाते हैं, डॉलर केस होता है, इस तरह केस सालों में चलते हैं, 16 साल 15 साल 14 साल 8 साल, इस तरह ये जो केस होता है ये चलते हैं, ट्रायल भी चलते हैं। ये तो जरदारी साहब को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उसने माशाल्लाह तरमीम भी चेंज के, शहबाज शरीफ साहब इन दोनों ने, तो उसमें जो आए लीगल तरीके से गरीबों का पैसा है वो इंशाल्लाह मिलेगा। ऐसा कोई नहीं हो सकता, ऐसे कोई कंपनी नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह पीछे जो थे वो अलहदा वक्त था, वो अलहदा लोग थे, ठीक है। वो आके पारपाल वाले मुख्तलिफ पे किसी का नाम नहीं लेता, मुख्तलिफ कंपनी आई थी, मुझे ऑफ़र भी बहुत आई कंपनी ने, लेकिन मैंने किसी के साथ काम नहीं किए, सिर्फ ये 2 कंपनी में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम भी है और मेरा अच्छा सा पैसा लगा है, मेरी टीम का, मेरा इतना नहीं है, मेरे टीम का लगा है, समझें। तो मेरे अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह हर चीज़ डिलीवर होगा, ठीक है ना। मैं बार बार कहता हूँ अपने CO के साथ खड़ा हो जाए, उसकी सेहत के लिए दुआ करें, दोनों CO के लिए। जैसे आपको पता है सैफ रहमान साहब इस टाइम बहुत नाजुक कंडीशन में हैं, समझ आइए। आपको पता है पहले भी उसकी चाले वगैरह निकले थे, खून की कमी हो जाती है, मुख्तलिफ चीज़ें। सबसे पहले उसकी सेहत के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक उसको सेहत दे, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़ुद भी आएगा, फेस करेगा। मैंने उस दिन भी बात किया था, मैंने कहा देखो आप पीछे हटो, इन चीज़ों में अब ना पढ़ो, लीगल टीम लगे, राजा रियाज साहब लगे, मैं लगाऊँ, 4-5 बंदे और भी लगे, ना मैं नहीं लेता, ठीक है। इंशाल्लाह हर चीज़ बेहतर होगा, अपने टाइम पर होगा, अपने वक्त पर होगा। ये कोर्ट के मामले होते हैं, आधी रात को जब अदालत लग सकती है तो फिर अलहमदे हमारे नहीं लग सकता, तो ये चीज़ें मुख्तलिफ आती है। आप लोगों के साथ इंशाल्लाह अच्छी न्यूज़ आएंगे, हर बंदा परेशान, ठीक है। महंगाई तो होती रहती है, ये तो हर हुकूमत में आती जाती है, महंगाई का तो नाम हम नहीं लेंगे, महंगाई तो है पाकिस्तान में, हर जगह से महंगाई, जब बंदा पैदा हो जाते तो। फिर आ तो ये यूट्यूबरों के, तो यूट्यूबर जो भी है उसकी वीडियो पर फोकस ना किया करो, मिसाल बतौर ये जो पॉजिटिव नहीं नेगेटिव, उसकी वीडियो पर कोई फोकस ना किया करो,
उसके चैनल को कोशिश किया रिपोर्ट मारा करो, उसके बाद जितनी भी उसके सब्सक्राइबर ख़त्म किया करो, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है रहमान जान वेला, इसको भी सब्सक्राइबर कर लो, आगे शेयर करो ग्रुपों में, ताकि ये आल पाकिस्तान बी फॉर यू सर जी के लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाए, ताकि नोटिफिकेशन आए और उसके साथ इंशाल्लाह वो हक का वीडियो देखें, समझिए हक का, फजूल वीडियो नहीं, हक का, जो काम होता है कोर्ट में, जो लीगल टीम के साथ जो मैसेज आते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, समझें। दुआ में याद रखो, कोशिश करो, इस्तग़फ़ार पढ़ो, दरूद शरीफ पढ़ो, हामिम ला युंसरून पढ़ो, ताकि अल्लाह पाक इस मुसीबत से हमारे फैमिली को, हमारे जो भाई बहन इस टाइम बहुत मुश्किलात में हैं, अल्लाह उनको आसानी करे, हमारी तो यही दुआ है, ठीक है। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे आप लोगों के साथ, शायद वो नेक्स्ट वीडियो मेरी सिर्फ रहमान साहब के साथ होगी इंशाल्लाह। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, दुआ में याद रखो, और चैनल भूलना नहीं है, सब्सक्राइबर कर लो, अल्लाह हाफिज़।